खबर कोटा से है। कोटा के महावीर नगर इलाके की सड़कों पर दौड़ा था पैंथर। कल अल सुबह सड़क पर दौड़ते पैंथर की तस्वीर सामने आई और महावीर नगर विस्तार योजना के एक मकान में पैंथर घुसा था। उससे पहले रात के अंधेरे में सड़क पर दौड़ता दिखा पैंथर। पैंथर सामने आया तो सड़क से गुजर रहे लोग भागते नजर आए। हालांकि कल दोपहर में वन विभाग ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया था और महावीर नगर इलाके की सड़कों पर दौड़ता हुआ पैंथर तस्वीरों में कैद हुआ है और ये कैमरों में कैद पैंथर को आप देख रहे हैं। और जिस दौरान ये सड़कों पर पैंथर दौड़ता हुआ नजर आया, उस दौरान लोग खुद को बचाते हुए नजर आए। जैसे ही पैंथर को देखा, लोग दौड़ते भागते नजर आए। अब सड़कों पर दौड़ते पैंथर की तस्वीर सामने आई है। हालांकि कल जब पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया था, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि कैसे ट्रैंकुलाइज पैंथर को किया गया, लेकिन फिलहाल उससे पहले की तस्वीर भी सामने आई है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि जब सड़कों पर पैंथर दौड़ रहा था, उस समय की ये तस्वीरें हैं। और जैसे ही सड़क पर छलांग लगाई पैंथर ने, वैसे ही लोग जो दूसरी तरफ खड़े थे वो दौड़ते भागते हुए नजर आए, खुद को बचाते हुए नजर आए। हालांकि इस पैंथर ने कल भी कई लोगों को घायल किया था। काफी समय लगा था रेस्क्यू करने में टीम को, लेकिन आखिरकार सफलता हासिल हुई टीम को। पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया था और ये महावीर नगर इलाके की सड़कों पर दौड़ता हुआ पैंथर की तस्वीर लाल घेरे में आप देखिए। हालांकि थोड़ा अंधेरा है, लेकिन लाल घेरे में आप देख रहे हैं। एकदम से ये देखिए, ये पैंथर वही है जिसको ट्रैंकुलाइज किया गया था और कैसे सड़कों पर उत्पात इस पैंथर ने मचाया था। जहां जहां से गुजरा, जहां जहां से निकला, वहां वहां पर लोग दौड़ते भागते खुद को बचाते हुए नजर आए। तो देखिए, एकदम से पैंथर सड़क पर छलांग लगाता है। उस तरफ जब लोग खड़े होते हैं तो वो भागते हुए नजर आते हैं। हालांकि कुछ बच गए इसके हमले से, लेकिन कुछ लोगों पर इस पैंथर ने हमला भी कर दिया था जो घायल हुए थे। कई घंटों का रेस्क्यू चला था। हालांकि एक घर के किचन में ये पैंथर घुस गया था। अलग अलग जगहों पर ये पैंथर गुजरते हुए देखा गया था और उसी दौरान की ये तस्वीर कैमरे में कैद किसी ने की। हालांकि देखिए, सीसीटीवी फुटेज है ये। इस फुटेज के आधार पर देखा जा सकता है ये पैंथर जिसको ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। लेकिन हम आपको उससे पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं। दौड़ता भागता ये पैंथर इधर उधर घूमता रहा और आखिरकार फिर एक रिहायशी इलाके में, एक कॉलोनी में ये पहुंच गया था। कई लोगों पर इसने धावा बोला, कई लोगों पर हमला भी कर दिया, कई लोग घायल हुए। गुल मोहम्मद कोटा से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, हालांकि ट्रैंकुलाइज इस पैंथर को कर लिया गया, लेकिन उससे पहले की तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये कहां की तस्वीर है? जी देखिए, ये कल सुबह की है तस्वीर है, जब अंधेरे से उजाला होने वाला था। उससे पहले पैंथर ने जो है महावीर नगर इलाके में दस्तक दी थी और रात के अंधेरे की ये तस्वीर नजर आई है। सीसीटीवी फुटेज जब इलाके के देखे गए तो करीब तीन कैमरों में जो है तस्वीर नजर आई है। महावीर नगर विस्तार योजना की ये तस्वीर है। पैंथर को जो है दोपहर में ट्रैंकुलाइज कर लिया गया था। पैंथर एक मकान के अंदर घुस गया था। काफी मशक्कत के बाद जो है पैंथर पकड़ा गया था और उससे पहले की जब ये सुबह जब दस्तक दी थी पैंथर ने इलाके में, तो उस वक्त जो है लोग जब सड़क पर निकले ही थे तो वो भी जो है डर के जो है भागते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में दिख रहा है कि पैंथर जो है इधर से उधर जो है सड़कों पर दौड़ता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जो है हैरान और परेशान करने वाली जरूर है, लेकिन अब जो है राहत की बात इसलिए है क्योंकि पैंथर को जो है कल दोपहर में ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। बिल्कुल गुल मोहम्मद, और देखिए कल भी हमने कई तस्वीरें देखी थी, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे जिस क्षेत्र में ये पैंथर घुस गया था। अब उस दौरान जब ट्रैंकुलाइज इस पैंथर को कर लिया गया, उसके बाद लोग इस पैंथर को देखने के लिए भी आए, लेकिन उससे पहले जहां जहां सड़कों पर होकर ये गुजरा होगा, ऐसे ही लोग इससे खुद को बचाते हुए नजर आए होंगे जैसा हम तस्वीर में देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए ये जो इलाका है महावीर नगर और जो इलाका है ये जंगल से सटा हुआ इलाका है, क्योंकि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का इलाका यहाँ से जुड़ता है और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उस इलाके में जो है जंगली इलाका पड़ता है, तो वहां पर ठीक है। गुल मोहम्मद, ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अब